का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी नस्ब व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। तीनों अफसरान सियासी मफादात की इमा और मिली भगत से आदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे, इसी वजह से इन्हें तहवील में लिया गया है। तीनों फौजी अफसरान और उनके साथियों से तहकीकात जारी है। फौजी तहवील में लिए गए रिटायर्ड अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। आपको आम खबर दें, फौजी तहवील में लिए गए रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं। फौजी तहवील में लिए गए रिटायर्ड अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़रा के मुताबिक तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है। सियासी मफादात की इमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे, इसी वजह से उन्हें तहवील में लिया गया। तीनों फौजी अफसरान और उनके साथियों से तहकीकात जारी है। फौजी तहवील में लिए गए रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। जावेद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। जावेद, कहिएगा, इससे पहले यह खबर आई थी कि 3 फौजी अफसरानों को तहवील में ले लिया गया है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर नाम भी सामने आ गए हैं। जावेद, आप सुन पा रहे हैं? तो तीनों जो अफसरान हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं, मुकम्मल तफसील क्या है? जी बिल्कुल, इस जो कार्रवाई चल रही है, जो तफ्तीश का घेरा तंग किया जा रहा है, तो उसकी रोशनी में जो फौजी ऑफिसर तहवील में लिए गए हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। उनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम तहवील में ले लिए गए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों अफसरान थे, ये पैगाम रसानी का काम करते थे और जो जनरल फैज के साथ कोऑर्डिनेशन में पॉलिटिकल जो मामला होते थे तो उसमें ये सारा रोल प्ले करते थे। और मजीद आगे भी कई अफसरान की गिरफ्तारियां होनी है, जो जो मुलव्वस हैं, जो जो सहूलतकार हैं, आगे चीजें साथ से डेवलप होने जा रही हैं। ठीक है, अब आगे चीजें डेवलप होंगी। जावेद शहजाद, इससे पहले जब फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से कहा गया था और कोर्ट मार्शल के हवाले से बात की जा रही थी, तो ये इस चीज की क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे, स्पेकुलेशंस थी कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है। अब इस चीज की क्लैरिटी हो गई है कि ये फौजी अफसरान जो रिटायर्ड हैं वो मुलव्वस हैं। जी देखिए, इसमें जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल DGC थे जब फैज हमीद, तो उस वक्त उनकी चेन ऑफ कमांड का जो आप उनकी चीफ कमांड का हिस्सा थे, उसके साथ जो काम कर रहे थे आगे, तो वो अफसरान थे। लेकिन असल इशू है, जब रिटायरमेंट के बाद, जब वो रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट के बाद 2 अहदे ऐसे होते हैं, एक पे SPD के जो DG होते हैं वो प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं हो सकते, और DGISI जो होता है वो भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ना पोलिटिकल मामला में मुदाखलत कर सकते हैं। तो ये फैज हमीद के खिलाफ जो एलिगेशन टॉप सीक्रेट और पीछे रह गया है, जो असल एलिगेशन सामने आ गया है कि सियासी मामलात में, सियासी जोड़ तोड़ में, इमरान खान के बयानी को आगे बढ़ाने में और इमरान खान के जो सहूलतकार थे और जो चीजें उनको आगे बता रहे थे, उनके जो जितने भी मफरूज जो MNAs थे, MPAs थे, सबके साथ जो कोऑर्डिनेशन थी, रबते थे, और जनरल फैज हमीद के थे। और अभी तो ये ये बारिश का पहला कतरा है, 3 अफसरान गिरफ्तार हुए हैं, मजीद भी इसमें काफी सारी गिरफ्तारियां सामने आने वाली हैं। तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया गया है, जैसे जैसे तफ्तीश मुकम्मल होनी है, शवाए सामने आने हैं, जो जो भी इस मामले में जो लोग मुलव्वस थे, सियासी थे, सरकारी थे, गैर सरकारी थे, फौजी थे या सिविल इदारों के जो लोग भी थे, वो सब के सब जो है वो मंजर आम पे आएंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी है। आर्मी चीफ ने इस हवाले से 2 अब एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नजर आ रहा है और मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद।